YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल आपने देखा होगा कि मैंने कल बनाए थे हिमाचली डिश पतरोड़े, तो आज मैं बनाऊंगी साग बाथू और चरेली का। तो आज मैं उसका भी वीडियो बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं उसको अच्छे से काट लेती हूँ। आज भी मम्मी के पास हुई, बस कि मैं कल की वीडियो ही सेम, दो ये दोनों वीडियो मैंने सेम ही डे पर बनाई है, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके डाली है आज। तो क्यों नहीं, मम्मी के पास मैं पतरोड़े बनाने आई हूँ, तो ये बाथू का साग भी साथ साथ में बना लूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पे काटना है, लेकिन बनाना अपने घर पे ही है। तो मैंने सोचा क्यों मम्मी के पास आई हूँ, तो बातें करते करते हम काट भी लेंगे और घर पे जाके बना भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से साग को कट किया जाता है। आजकल जो सरसों का नहीं होता है, आजकल होता है चरेली और बाथू का साग का। फ्रेंड्स चाय आ गई, अब चाय भी लेते हैं, उसके बाद काटेंगे बाकी का साग। हम कर रहे हैं यहाँ पे अरबी को साफ। आज पापा जी बनाएंगे अरबी। अरबी बनानी है पतीला रख दे, मम्मी जी कर रहे हैं यहाँ पे साग को साफ और मैं यहाँ पे काट रही हूँ। लेकिन चाय आ गई, तो ये चाय ब्रेक हो रही है हमारी, खत्म भी हो गई। कितना सारा तो मैंने काट भी लिया, जाके अब घर में इसको कुकर में डालूंगी। मम्मी क्या बोले तुम्हें, पहले सी क्या करना? हाँ अच्छा, छाना फिर फिर थोड़ा गर्म ही कटी जाती होने, देखिए मैंने साग को कट कर लिया है। तो अब मैं डालूंगी इसे किसी बैग में और घर लेके जाऊंगी। तो फ्रेंड्स मुझे ना वीडियो बनाने की मोटिवेशन पता कहाँ से मिलती है? मेरी फैमिली से, मेरी मम्मी पापा डैडी जी, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना कि मुझे ना और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। और बाकी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे बाकी किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं। जब फैमिली साथ है ना, तो आपको कोई क्या बोलते हैं, मुझे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फैमिली साथ है ना, तो आप सब कुछ अचीव कर लोगे। मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा जी सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, वो मुझे बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही काम कर रही है और पीछे मत हटना, तो लगी रहना। इसलिए अब तो मैं लगी रहूँगी। बस आप ही मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियो देखें, मेरी वीडियो को शेयर करें। तो बस सब हो गया कम्प्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ कि पापा जी ने अपने घर में क्या क्या लगाया हुआ है। ये लगाया हुआ है पापा जी ने टमाटर, ये देखिए पापा जी को बड़ा शौक है खेती का। और ये लगाया है पापा जी ने करेले, ये करेले की बेल लग गए भी इसी की नहीं ओ आहो ऊपर लगे हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। पापा ने ना पता कि इस रेलिंग पे चढ़ा देते हैं पूरी बेल जो भी होती है, जिस भी चीज की होती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये लगाए हुए पापा जी ने बैंगन, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बैंगन लगाए हुए हैं यहाँ पे, और ये चिली लगाई हुई है। इतनी सी जगह पे पापा जी ने इतना कुछ लगाया हुआ है। और ये लगाई है, मुझे लग रहा है पापा जी ने भिंडी। और ये है अश्वगंधा, जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम हो वो खा सकता है इसको। और ये लगाई हुई है पापा जी ने मीटर फली, ये देखिए लगी भी हुई है। और ये देखिए इतनी सी जगह पे पापा ने इतना कुछ लगाया हुआ है, मैं आपको जगह भी दिखा देती हूँ कितनी सी है। और इतनी सी जगह पे पापा ने कितना कुछ लगाया हुआ है पापा जी ने। ओह ये देखिए पापा जी ने खीरे भी लगाए हुए हैं। ताकि खराब ना हो, मक्खी खाती है मक्खी। ये देखिए बड़े बंद के रखे सारे, ये देखो ये भी खीरा पापा ने कैसे कवर करके रखा हुआ है। ये पापा मीटर फली, ये भी मीटर फली लगाई है पापा जी ने। ये घिया लगाया हुआ लग रहा है, घिया ही है ना। देखो पापा जी ने कितनी सी जगह पे ना कितना कुछ लगाया हुआ है।
और ऊपर करेले लगाए लगे हुए हैं। मैं आपको फ्रेंड्स, पापा जी ने करेले की बेल लगाई और कितने अच्छे से लगे हुए हैं, देखो सभी, ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। मुझे तो दस आ गया नहीं, मैं बनाई लेंदी कहाँ, ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए लाइन से लगे हुए हैं, देखो ये देखिए ये देखिए ये देखिए और ये देखिए, एक कितने सारे करेले लगे हुए हैं, ये सारी पापा जी की मेहनत है। इधर देख लगे हुए बारे टमाटर दे ले आ उस फोटो दे ले ना 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 इन्हें लगे हुए फ्रेंड्स, मेरा काम हो चुका है ख़त्म जो मैं यहाँ पे करने आई थी, तो अब मैं घर पे जाके बनाऊंगी साग। तो चलते हैं अब घर वापस। हाँ जी चलते हैं अब हम घर वापस। गेट खोल खोल सकती हूँ गेट। चलते हैं अब घर वापस भाई, थक चुके हैं अब। घर जाके साग एंड पतोड़े दोनों साथ में डालूंगी और वीडियो जो है उनकी सेपरेट करके डालूंगी। आज मैंने एक ही दिन में ना दो ब्लॉग बनाए हैं, एक साग का और एक पतोड़े का। पता नहीं ये कुत्ता किस पे भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है, ऐसे भौंके जा रहा है फालतू में। सिमरन आ गई, आटा भूल गई थी मैं घर पर, इसे मंगवाया मैंने दोबारा। तो फ्रेंड्स मैं अपने घर के पास पहुँच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ना कुत्तों का इतना ज़्यादा खौफ है ना कि सभी डरते हैं जाने से। अच्छी बात है वैसे, होना भी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे हर कोई आने से डरता है, क्योंकि ये जो दो कुत्ते हैं ना बंदे को छोड़ते नहीं, अगर यहाँ पे कोई ऐसे फालतू में घूमेंगे। नॉन बंदों को तो वो जिनको जानते हैं उनको तो आने भी देंगे ना, लेकिन जो कोई अननोन होगा ना उसकी तो वो बुरी हालत करते हैं। फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने साग भी चढ़ा दिया है गैस पे। पहले मैं इसको एक सीटी लगा के फिर जो पानी है ना वो सारा निकाल दूंगी, फिर दोबारा इसमें पानी डाल के पकाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो इसे इसलिए पहले एक बार सीटी लगा के पानी निकालना पड़ता है ताकि आपको गर्म ना लगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि साग को मैंने तड़का लगा दिया है, तो साग रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो अब मैं करूँगी सभी को सर्व। इसे चिरेड़ी का साग कहते हैं, ये हिमाचल में बड़े चाव से खाया जाता है। आज पूरे हम जो अपनी नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो खा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है आज, तो खाना खाने का काफ़ी मज़ा आएगा आज। साथ में है आज लसूड़े की सब्जी, ये हिमाचल में काफ़ी फेमस है, इसका एक पेड़ होता है, पेड़ पे लगते हैं ये फ्रूट, इनकी सब्जी बनती है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये आपको किसी शहर में या किसी मार्केट में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ आपको हिमाचल के गांव में मिल सकती हैं। तो चलिए करते हैं इनको स्टार्ट खाना और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।